हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो फैक्शन। दोस्तों, सनी देओल की गदर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों की रौनक लौटा दी। मजेदार बात तो ये है कि एडवांस बुकिंग के मामले में सनी देओल की फिल्म ने नया ही कीर्तिमान रच डाला। फिल्म की 20 लाख टिकटें एडवांस में बुक हो चुकी है। फिल्म की ओपनिंग को एडवांस बुकिंग के कलेक्शन का फायदा जरूर मिले, ये बात डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर की। ऐसे में गदर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों का फिल्म को लेकर क्या कहना है, आइए जानते हैं। फिल्म की कहानी तारा सिंह और स्कीना की जिंदगी पर आधारित है। दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल है और अब उनका नन्हा बेटा चरणजीत सिंह बड़ा हो गया है। तारा और स्कीना का लायक बेटा देश के लिए लड़ता है, लेकिन किसी तरह पाकिस्तानियों के हाथ आ जाता है। चरणजीत पर जुर्म होते हैं, लेकिन वो सच्चा देशभक्त है और दुश्मन के आगे सिर झुकाने से इनकार कर देता है। इस बीच परेशान माँ बाप तारा और सकीना अपने बेटे की वापसी की राह देख रहे होते हैं। जब कुछ काम नहीं आता तो तारा खुद अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान से लड़ने अकेले निकल जाती। दोस्तों, सोशल मीडिया पर गदर 2 के कई सीन वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक सीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और वो है सनी देओल का हेडपम्प उखाड़ने वाला सीन। इसके अलावा कई लोगों ने उत्कर्ष शर्मा की भी खूब तारीफें की। यही नहीं, सनी देओल के उस सीन पर भी थिएटर तालियों से गूंज उठा, जिसमें वो बैलगाड़ी का पहिया उखाड़कर दुश्मनों का दिल दहला देते। इस फिल्मों को मिल रहे ऑडियंस रिव्यूज की बात करें तो लोगों को फिल्म के एक्शन सीन्स खूब पसंद आ रहे हैं। कई लोगों ने फिल्म देखकर पोस्ट में रिव्यूज दे दिए हैं। एक यूजर ने लिखा, फिल्म को देखकर रोंगटे खड़े हो गए, आइकॉनिक हेडपम्प सीन और सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में शानदार है। एक अन्य फैन ने लिखा, एक शब्द में कहूँ, फिल्म ब्लॉकबस्टर है। सनी देओल और अनिल शर्मा की इस फिल्म का हर सीन मुझे पसंद आया। सनी देओल का स्वैग और उनके डायलॉग बोलने का अंदाज रोंगटे खड़े करने वाला है। तो वहीं गदर 2 देखकर सिनेमाघरों से बाहर आए दर्शकों ने इसे पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी हिट बताया है। इसमें कई होश उड़ा देने वाले एक्शन सीक्वेंस हैं। सनी देओल ही इस फिल्म की शरीर और आत्मा है। लोगों ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है। तो अब दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही ऐसी खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल वीडियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।